हेलो एवरीवन, मेरा नाम है त्रिवेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाम मैंने चेंज किया है चैनल का, ये थोड़ा स्पेसिफिक सा लग रहा है। तो एक्चुअली आज मैं कुछ और वीडियो लेकर आने वाला था आपकी कन्वर्सेशन से रिलेटेड, प्रेजेंट के टेंसेस और कैन के टेंसेस को यूज़ करके आप कन्वर्सेशन कैसे करेंगे, उन कन्वर्सेशन के ऊपर मैं वीडियो लेकर आने वाला था आज। लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा ऑन सेल फॉर सेल का डिफरेंस, और ये क्वेश्चन काफ़ी जेन्युइन भी है, ये आ सकता है दिमाग में, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि कई जगह हम लिखा हुआ देखते हैं फॉर सेल और कई जगह हम लिखा देखते हैं ऑन सेल। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने एक और चैनल की कमेंट पे भी देखा था, तो मैंने वहाँ पे आंसर दिया। एक्चुअली वहाँ पे जो चैनल के ओनर थे उन्होंने उस कमेंट पे ये रिप्लाई किया हुआ था कि मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जबकि क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक था। मैंने वहाँ पे आंसर भी दिया कि इसका आंसर ये है, लेकिन वो मेरी कमेंट ही डिलीट कर दी, क्योंकि ये रहता है कि यार मेरे सब्सक्राइबर यहाँ ना चले जाएँ, या फिर ये रहता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स के आगे ये ना हो जाए कि मुझे नहीं आता। तो इस चीज़ की वजह से चलो कोई इशू नहीं है, मैं इस पॉइंट को आज क्लियर कर देता हूँ। ऑन सेल और फॉर सेल का डिफरेंस आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा ऑन सेल किसी प्रोडक्ट पे, किसी जगह लिखा देखा होगा फॉर सेल। तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस इन दोनों के मतलब काफी अलग कर देगा। फॉर सेल का मतलब होता है कि कोई भी चीज बिकने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। ऑन सेल का मतलब होता है कि उसकी प्राइस कम हो गए, मतलब कि एक घर है तो घर में पहले लोग रह रहे हैं, अब लोग वहां से जा चुके हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, घर अब उनका फॉर सेल है कि वो बिकने के लिए रेडी है, कि वो बिक सकता है, अगर कोई खरीदना चाहे तो ये फॉर सेल अवेलेबल है, तो वो होता है फॉर सेल। अब मान लो एक दो साल हो गए वो घर बिक ही नहीं रहा, काफी दिन हो चुके हैं, कोई कस्टमर को महंगा लग रहा है वो, तो जितना उसका प्राइस था मैंने क्या किया उस प्राइस को कम कर दिया कि चलो ठीक है, अगर मैं पहले इस घर को 50 लाख में बेच रहा था तो मैं अब इस घर को 45 लाख में बेच रहा हूं, तो अब वो हो गया ऑन सेल, ठीक है। तो फॉर सेल का मतलब होता है कोई भी चीज जब वो बिकने के लिए रेडी है, लेकिन अगर उसके प्राइस में और कम कर दूं तो वो फिर फॉर सेल हो जाता है, सॉरी फिर वो ऑन सेल हो जाएगा, ठीक है। फॉर सेल का मतलब बिकने के लिए रेडी है, ऑन सेल का मतलब वो पहले बिकने के लिए रेडी था, फॉर सेल वो पहले भी था लेकिन अभी वो ऑन सेल है कि मैंने उसके प्राइस कम कर दिए। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो कोई भी चीज़ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं जल्दी आऊँगा आपके लिए अलग दूसरी वीडियो लेकर जिसमें हम पूरा कन्वर्सेशन करने वाले हैं, अपने पूरे प्रेजेंट और कैन के टेंसेस को मिला के ए और बी दो पर्सन के बीच में हम कन्वर्सेशन करेंगे सिर्फ उन्हीं टेंसेस को यूज़ करके, ताकि आपका रिविजन हो जाए। और मैं आपको कुछ टेंसेस भी दूंगा, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप उसको थोड़ा पूरा देखिए वीडियो, या फिर थोड़ा देख उस वीडियो को समझिए, तभी तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि कमेंट में मुझसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं पूछ रहा है, ठीक है। बाकी जहां पे आपके कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं देगा, जहां पे आपके कमेंट्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं बार बार कि आप कमेंट्स में पूछिए, जितना आप पूछोगे उतने ही आपके डाउट क्लियर होंगे, और जितने आपके डाउट क्लियर होंगे आप अपनी मिस्टेक से सीख के अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। यही तरीका है इंग्लिश बोलने का, या फिर कोई भी लैंग्वेज को सीखने का। तो आप को अगर ऑन सेल फॉर सेल में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं जल्दी वापस आऊँगा दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू।